नमस्कार, मैं आप सबकी उड़िया बहू चली आई एक नया सा व्लॉग लेके। तो आज हम लोग जाने वाले थे एक मेले पे घूमने के लिए। तो यहाँ पे मेरे पति रेडी हो गए थे बाइक लेके, हम लोगों को अभी जाना था। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं मेला की तरफ। तो हमारे घर से मेले के डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, 10 मिनट का ही है। तो हम दोनों मिलके बाइक लेके निकल पड़े हैं मेले की तरफ, और आप लोगों के साथ ये रास्ते का वीडियो मैं शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे आके मुझे एक चीज़ देखने को ऑल टाइम मिलते हैं, वो है रास्ते के ऊपर गाय के खड़े होना। पहले तो मैं बहुत ज़्यादा डर जाती थी, ऐसा नहीं कि अभी नहीं डरती हूँ, लेकिन डर थोड़ा कम हो गए हैं। आप लोगों से एक बात मैं शेयर करना चाहती हूँ। आप लोग ने देखा कि मैंने बहुत दिन बाद, करीबन एक महीने बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि मेरे तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे, इसलिए मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पा रही थी। इसलिए बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स वगैरह मुझे मैसेज कर रहे थे इंस्टा में, फेसबुक में, कि मेरे वीडियो क्यों नहीं आ रहे, हम लोग क्यों वीडियो अपलोड नहीं कर रहे। तो मैं सबको इंडिविजुअली तो मैसेज के आंसर नहीं दे पाई। तो अभी मैं वीडियो के दौरान बोल दे रही हूँ कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था, अभी मैं सही हूँ, इसी कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई इतना दिन। लेकिन अभी से ट्राई करूँगी हफ्ते में 2 या 3 वीडियो ज़रूर देने के लिए। आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट करके बताना। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छे लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना। तो बात करते करते हम लोग करीबन मेले के तरफ ही चले आए थे। पहले तो सोची थी कि मेले में जा रही हूँ, बहुत ज़्यादा वीडियो बनाऊँगी, लेकिन बारिश होने के कारण पूरा प्लान बर्बाद हो गए। तो जितना भी हो सका हम लोगों से उतना ही वीडियो मैंने किया। वीडियो को स्किप ना करते हुए एंड तक ज़रूर देखना। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छे लगने वाले हैं। तो चलिए अभी चलते हैं। हम लोग पहुंच गए हैं मेले में। हम लोग अभी जा रहे हैं मेले के अंदर मेला घूमने के लिए। मेला तो बहुत ही बढ़िया बनाए थे, लेकिन एक ही प्रॉब्लम जो मैंने पहले भी बोली थी वो है बारिश के कारण पूरा जगह चिपचिपा सा हो गए थे। नीचे आप लोग देख रहे हैं कि कारपेट भी बिछाए हुए थे, लेकिन फिर भी वो जो मिट्टी वो सब भरा पड़ा था, इसलिए बहुत ही दिक्कतें हो रहे थे घूमने के लिए। उसके बाद यहाँ पे मेरी बुआ और उसकी बेटी, मेरी ननद दोनों भी आए थे, तो दोनों के साथ भी मिल लिए और थोड़ी बहुत उन लोगों के साथ भी घूम लिए थे। आप सब तो देख ही रहे, बहुत टाइप के दुकानें यहाँ पे थे, ज्वेलरी, साड़ी, कुर्ती, बर्तन वगैरह जो भी है, खिलौना विलौना, सब टाइप के दुकान यहाँ पे भरे पड़े थे। और हम लोग फिर चले गए थे एक चूड़ी के दुकान पे, देख रहे थे मेरे सास चूड़ी, लेकिन पसंद नहीं आए इतना। उसके बाद हम लोग चले गए थे अचार की दुकान पर, वहाँ से हम लोग पापड़ खरीदे, बहुत ही मस्त था वो पापड़। और उसके बाद हम लोग चले गए थे इस दुकान पे। यहाँ पे देख के तो पहले लगा कुछ सब कुछ ले लूँगी, फिर सही से देखने के बाद एक चीज़ भी नहीं ली यहाँ से, सभी लग रहे थे वेस्ट है, इसलिए कुछ भी नहीं लिया हम लोगों ने। एक्चुअली मेले का मेन पॉइंट ही होता है घूमना, कुछ खरीदो या ना खरीदो, घूमना तो बनता ही है। मेले में बहुत टाइप के तो स्टॉल बैठे ही थे, उसके साथ साथ ये जो राइड्स यहाँ पे थे, बहुत टाइप के राइड्स थे यहाँ पे, सब बड़े लोग के लिए भी थे, बच्चे के लिए भी थे, इतने सारे राइड्स थे वो दिखने के थे एकदम। यहाँ पे जो झूला,
ये सब हम लोग बचपन में झूलते थे, देख के तो बहुत ही मज़ा आ रहे थे। मैं तो इसलिए खड़े रह के बहुत टाइम तक वीडियो बना ली इसकी, बचपन की याद आ रही थी। हम लोग इस पे झूलते थे, बहुत ही मज़ा आते थे। मैं और माँ मिल के घूम रहे थे मेले पे और यही बात कर रहे थे कि मेले से तो कुछ चीज़ खरीद के लेके जाना ही चाहिए, खाली हाथ तो हम लोग घर नहीं जाएंगे। और यहाँ पे मेरे ननद को देखिए, ये बबल्स बना रहे थे, इतना ज़्यादा मस्त लग रहे थे दिखने में, तो मैं इसका एक छोटू सा वीडियो क्लिप्स भी बना ली। फिर हम लोग चले आए इस कप प्लेट की दुकान पे। यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइन के कप प्लेट्स वगैरह वहाँ पे थे। यहाँ से हम लोग एक केले के पत्ते के जो डिज़ाइन है वो डिज़ाइन का एक प्लेट ख़रीदा। वो प्लेट भी बहुत सुंदर है, मैं कुछ खाना बना के वहाँ पे गार्निशिंग के लिए अगर दूंगी तो वो बहुत ही सुंदर लगेंगे। लेकिन एक चीज़ है कि इस दुकान में जो भी चीज़ था वो बहुत ही हाई प्राइस के थे, इसलिए जो भी पसंद आ रहे थे उसके प्राइस सुन के तो लेने का बिल्कुल भी मन नहीं हुए। और यहाँ पे देखिए बच्चे लोग गाड़ी में कितना सुंदर राइड्स कर रहे हैं। मैं जहाँ पे भी देख रही हूँ ये सब राइड्स, वहाँ पे छोटा छोटा करके वीडियो ले ली, क्योंकि ये मेरे लिए भी एक मेमोरी है। मैं ये सब देखती हूँ तो मुझे भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। और ये राइड्स भी मुझे मस्त लगते हैं। मैं जब क्लास 11 या 12 में पढ़ती थी तब भी मैंने ये राइड्स पे उठी थी। और ये है एक डेंजरस राइड्स, वो है ब्रेक डांस। मैं ज़िंदगी में कभी भी नहीं इस पे उठी थी और मुझे लगता है मैं कभी भी नहीं उठूँगी इस पे, मेरे अंदर इतना हिम्मत तो बिल्कुल भी नहीं है, देख के ही डर लग जाते हैं। और ये जो राइड्स है ये कितना क्यूट सा है, देखिए एक हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर के अंदर वो बच्चे लोग जो यहाँ पे राइड्स कर रहे हैं, और मिडिल में एक हनुमान जी की मूर्ति है। और ये तो मेरे फेवरेट राइड्स है, ड्रैगन ट्रेन। ना कोई डरने की बात है, ना कोई डेंजरस एक राइड्स है, नॉर्मली एक ट्रेन है। मैं लास्ट ईयर में भी जब मेले पे गई थी तब भी जाके मैं ये राइड्स पे उठी थी। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ये राइड्स। मैं जहाँ पे भी मेले में जाती हूँ ट्राई करती हूँ, अगर ये राइड्स है तो ये राइड्स में मैं ज़रूर उठती हूँ। फिर तो मुझे बहुत ही ज़ोर से भूख लग गई थी, इसी कारण मैं यहाँ पे ख़रीदी थी पकोड़े। ये नॉर्मली पत्ता गोभी के वेजिटेबल पकौड़े थे, ये बहुत ही टेस्टी था, अच्छा था खाने में, तो मैं ये खाई और गोलगप्पे खाई थी। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताना, हो सके तो एक लाइक और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। हम लोग जा रहे थे एक रेस्टोरेंट पे खाने के लिए, जहाँ पे मैं और मेरे पति दोनों मिलके ही ये एक चिकन रोल खाई थी जो बहुत ही टेस्टी था। हम लोग जब भी भुवन में रेस्टोरेंट में जाते हैं खाने के लिए तब भी इस रेस्टोरेंट में ही जाते हैं। रेस्टोरेंट बहुत छोटू सा रेस्टोरेंट है लेकिन यहाँ का खाना बहुत ही टेस्टी होता है, आपके सामने आपको बना के देते हैं। ऐसा नहीं कि पहले से बना के रख दिया गर्म करके दे दी, ऐसा नहीं होता है, बहुत ही फ्रेश खाना मिलते हैं। जो भी भुवन में रहते उसको पता है इस रेस्टोरेंट के बारे में, तो मुझे तो बहुत ही पसंद लगते हैं इस जगह का खाना। खाना खा रही हूँ मैं, खुद को दिखाऊँ ये तो हो नहीं सकता, यहाँ पे मैं मेरे पति को भी थोड़ा दिखा दी क्योंकि वो किसी के साथ बात कर रहे थे रेस्टोरेंट पे बैठे, तो मैंने सोचा उसका भी छोटू सा एक वीडियो बना लेती हूँ। इस बारिश के मौसम में मेले में घूम के फिर रेस्टोरेंट में खाना खा के हम लोग अभी जा रहे हैं घर की तरफ, क्योंकि बहुत रात भी हो गए थे। तो वीडियो आज इतना ही, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताना, हो सके तो एक लाइक और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए टाटा।